आपको मालूम होगा कि 16 करोड़ लोग हैं जिनको साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है, जिनके पास बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसकी वजह से जो गांव में लोग हैं, अगर एक आंकड़ा सिर्फ मैं आपको दूं तो हर दिन 500 लोगों की मौत हो जाती है, अगले दिन का वो सूरज नहीं देख पाते हैं। कितनी गंभीर समस्या है, इस समस्या का कोई समाधान है? मुझे लगता है कि मुंबई के एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर हैं जिसको हम स्टार्टअप चैंपियन कह रहे हैं, आज तरल टेक की इस कहानी पर निगाह डालते हैं और उसके बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा पर मैं ले चलूंगा। आइए देखते हैं कहानी तरल टेक की। भारत के 6,50,000 गांव के अल्प सेवित क्षेत्रों में वंचित लोग अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर हैं। लेकिन इस नुकसान की कल्पना करें, जो पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है यदि वही पानी दूषित हो तो। अंजन मुखर्जी, मुंबई के उद्यमी, ने इस पेयजल समस्या को हल करने की ठानी। उन्होंने तरल टेक रिएक्टर विकसित किया जो बोरवेल हैंडपंप पानी में रोगाणुओं को मारता है और इसे आसानी से किसी भी भारत 2 मॉडल हैंडपंप में लगाया जा सकता है। ये जो है इसके काफी सारे फायदे हैं। एक तो है ये कोई भी लगा सकता है, कोई भी गांव में जो फिटर है, प्लम्बर है, वो लगा सकता है इसको। 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है लगाने में। इसमें कोई कंज्यूमेबल्स नहीं लगता, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता, कोई मेंटेनेंस नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत ही नहीं है और कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है। अंजन का कहना है कि तरल टेक रिएक्टर एक फिट एंड फॉरगेट तकनीक है। कोई रखरखाव नहीं, किसी भी उपभोग्य सामग्रियों की जरूरत नहीं है। इसके उपयोग में किसी ईंधन या बिजली या किसी व्यवहार परिवर्तन की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी स्टार्टअप्स की तरह उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाने में कि यह उत्पाद काम करता है। मेरे लिए जो चैलेंज था इनिशियली वो है कि लोगों को विश्वास दिलाएं कि ये काम करता है, और वो तो लोग जब यूज कर रहे हैं तभी उनको पता चलता है, पर वो पहले जो है, जो पहले यूज़ करता है उसको कैसे पकड़ें, उसको कैसे बोलें कि हाँ ये काम करता है। बट लोग चारों तरफ फैले हुए हैं जिनको ये सब आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, उनको नया नया चीज़ करना है और नई नई चीज़ें उनको ट्राई आउट करके लोगों का भला करना है, तो दे गिव यू अपॉर्चुनिटी। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित राज्यों के कई गांवों ने रिएक्टर को अपने हैंडपंपों में फिट कराया है। लाखों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है क्योंकि अब वह साफ पानी का उपयोग करते हैं। तरल टेक को केवल ग्रामीणों द्वारा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। जुलाई 2017 में इसराइल के तेल अवीव में संयुक्त इंडो इसराइली इनोवेशन प्रदर्शनी में भाग लेने वालों में तरल टेक सॉल्यूशंस स्टार्टअप्स में से एक था। अंजन ने वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रिएक्टर के काम के बारे में समझाया। हमने देखा कि स्वाहिली और अफ्रीकांस लैंग्वेज जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसमें माजी का मतलब है वाटर यानी पानी, तो ये तो दुगना बेनिफिट हो गया तरल टेक माजी का। तो हम लोग वहाँ भी सब जगह इसको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया है, मिलता है कि नहीं देखते हैं, पर एटलीस्ट हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये आ जाए। तरल टेक सॉल्यूशंस जल जनित रोगों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण सफलता है और भविष्य के लिए एक गेम चेंजर तकनीक है। विश्व भर में पानी एक कीमती संसाधन है, लेकिन गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां एक बड़ी चुनौती है। तरल टेक सॉल्यूशन गंदे पानी को साफ करता है, उसमें से कीटाणु निकाल के, ताकि गांव-गांव के लोगों की जीवन बेहतर हो सके, उनके स्वास्थ्य बेहतर हो सके, ताकि गांव-गांव खुशहाल हो सके।